ये वर्ल्ड कप आपको जो होस्ट करना चाहिए था वो पाकिस्तान में होस्ट करना चाहिए। मजे की बात इससे पिछला जो एशिया कप आपका हुआ था T20 वो दुबई में ही हुआ था। पाकिस्तान का झंडा इन्होंने थोड़ा ज्यादा छोटा देखा। एशिया कप तो पता नहीं फंडों से भरा हुआ था, इंडिया को हम हैंडल नहीं कर पाया था, उनके डिसीजन कुछ ऐसे थे कि वो चेशा ही है। भाई ICC वर्ल्ड कप 2023 जो अराउंड द कॉर्नर है, अक्टूबर 5 से शुरू हो रहा है और ये इंडिया उसको होस्ट करेगा। और मैंने अभी गाना भी देखा था वर्ल्ड कप, इसमें रणबीर सिंह थे। गाना ओवरऑल बड़ा एंटरटेनिंग था, अच्छा था, लेकिन एक बस अजीब सी हरकत थी उसमें, पाकिस्तान का झंडा इन्होंने थोड़ा ज्यादा छोटा दिखा दिया, हालांकि पाकिस्तान का झंडा काफी बड़ा है। बहरहाल अल्लाह करे भाई ये वर्ल्ड कप जो है वो एशिया कप की तरह ना हो। एशिया कप तो पता नहीं फंडों से भरा हुआ था, बहुत ही अजीब गरीब किस्म का वर्ल्ड कप था। मुझे तो लग रहा था एशिया कप का नाम चेंज करके अब बारिश कप कर देंगे, क्योंकि वो पूरे उसमें बारिश ही चल रही थी। पहले मैच की आप बात करें इंडिया पाकिस्तान को हुआ था, वो भी बारिश की नजर हो गया। अच्छा दूसरा जो सुपर फोर वाला मैच हुआ था उसमें पहले मैच को बारिश ने धो दिया, उसके बाद इंडिया ने बाद में बाकी उसमें पाकिस्तान को उठा के धो दिया। खैर हमारे भी बहुत चौड़े में हमारे प्लेयर्स ने जो है बॉलिंग चूज की पहले कि जी हम बॉलिंग करेंगे हमारे कुछ फास्ट बॉलर्स की बेसिस पर, लेकिन खैर इंडिया को हम हैंडल नहीं कर पाए। खासतौर पर आपका कोहली और KL राहुल, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और बहुत अच्छे रन बनाए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फील्डिंग भी काफी लैप्सेस थे उसमें, कैचेस वगैरह भी ड्रॉप हुए। लेकिन यार ऑल एंड ऑल इंडिया ने आप पे एक डेंट तो मार दिया ना, हिस्टोरिकल डिफीट उन्होंने आपको दे दी 228 रन की, तो खैर वो आपके लिए जो है वो काफी हद तक जो है बैड सीन हो गया था। उसके अलावा अगर आप क्या कहते हैं बाकी चीजें भी देखें, पहली बात तो ये कि भाई ये वर्ल्ड कप आपको जो होस्ट करना चाहिए था वो पाकिस्तान में होस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इंडियन टीम ने किसी भी हाल में नहीं आना था। क्यों उस अगर आप उनके आगे ऐश्वर्या राय को भी लिटा देते ना तब भी उन्होंने नहीं आना था, वो उन्होंने ठान ली थी कि भाई हमने नहीं आना यहाँ पे। हालांकि मज़े की बात ये कि जो आपका नजम सेठी जो कि आपके एक्स वो थे चेयरमैन थे, उन्होंने UAE का वेन्यू रेकमेंड किया था कि भाई मैचेस UAE में करा लेते हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को एतराज़ किया था नहीं यार वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और मज़े की बात इससे पिछला जो एशिया कप आपका हुआ था T20 वो दुबई में ही हुआ था, लेकिन हाँ ठीक है वो T20 का फॉर्मेट था। यहाँ के प्लेयर्स को एतराज़ किया था कि भाई इतनी गर्मी में 50 ओवर हम खेल नहीं सकते हो। भाई तुम स्पोर्ट्समैन हो यार, गर्मी से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो वही बात है, एक ड्राइवर कभी बोलेगा यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, भाई तुम्हारा काम ही है गाड़ी चलाना, तो इतनी गर्मी से क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी प्लेयर्स भी तो खेल लेते हैं। बहरहाल और इनको वेन्यू भी क्या मिला, श्रीलंका का वेन्यू, जहाँ पे पहली प्रेडिक्शन हुई कि भाई 10 दिन तक बारिशें होती रहेंगी, वहां पे उठा के आपने मैच करा लिया, पूरे मैच का मजा खराब हो गया। अच्छा दूसरी बात ये कि अभी रिसेंटली ट्विटर में आया था कि जी जो ग्राउंड्समैन थे उनको $50,000 का इनाम दिया गया। ये जो आपके वो है ना ACC के जो आपके प्रेसिडेंट है आपका जेशा, उनको मैं चेशा बोलता हूँ, उनके डिसीजन कुछ ऐसे थे कि वो चेशा ही है वो। बहरहाल उन्होंने 50,000 ग्राउंडमैन को देने का फैसला कर लिया। हालांकि बात सही है क्योंकि प्लेयर से ज्यादा तो ग्राउंड में ग्राउंड्समैन ही थे, लेकिन ओवरऑल यार उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, क्योंकि पहले मैच के बाद उनका जो सीनियर था उसने इंटरव्यू में कहा था यार हमने जो नेक्स्ट मैच हुआ था ना उसमें हमने 100 बंदे ज्यादा रखे थे ग्राउंड की कवरेज के लिए, मतलब फुल प्रिपेयर्ड आए थे वो। तो ऑल एंड ऑल वो एक अच्छा कह सकते हैं आप तारीफ की बात थी कि उन्होंने कवर किया, लेकिन भाई ये टूर्नामेंट ग्राउंड्समैन के लिए तो नहीं था ना, उनकी प्रैक्टिस आप कहीं और करा देते, तरीके से मैच तो होते। हालांकि बाद में आपको शायद पता हो श्रीलंका ने टिकट के पैसे 90% गिरा दिए कि भाई लोग आके मैच तो देखें, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था लोगों का। लेकिन यार ये टूर्नामेंट एक बहुत अच्छा हो सकता था, खासतौर पर वर्ल्ड कप से पहले जब इस तरह का टूर्नामेंट होता है तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है टीम्स के लिए असेस करने की यार प्लेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किसको अगले वर्ल्ड कप में लेके जाना है, हाथ भी आपका खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे बारिश इतनी हो गई कि आप वो काम भी नहीं कर सके, पर्पज वो भी सर्व नहीं हो सका। और सबसे अजीब गरीब बात जो फाइनल मैचेस हुए हैं वो भाई मतलब श्रीलंका जो है 50 रन में ऑल आउट हो गया और इंडिया ने जो है 7 ओवर में वो रन बना लिया, मतलब अजीब गरीब किस्म का फाइनल था यार। लेकिन काफी लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये ODI का सबसे लोएस्ट स्कोर है, हालांकि मजे की बात मैं बताऊं यहाँ भी जो है ना वो पाकिस्तान ने अपने झंडे गाड़े हुए। 1993 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था केप टाउन में, जिसमें पाकिस्तान ने 43 रन बनाए थे, मतलब इनसे भी 7 रन और कम बनाए। इसके अलावा जिम्बाब्वे और क्या कहते हैं श्रीलंका का भी एक मैच हुआ था 2004 में, जिसमें जिम्बाब्वे ने सिर्फ 35 रन बनाए थे, तो ये सबसे कम स्कोर तो नहीं है। पाकिस्तान यहाँ भी आगे काफ़ी जो है, बट यार ऑल एंड ऑल जो है इन शॉर्ट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट।